अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो CPM एक्सपर्ट वालों के लिए बहुत ही अहम है। उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जिनका CPM वर्क अभी बंद हो गया है, लेकिन जो बंदे बिल्कुल फ्रेश है, हो सकता है वो इसको देखकर कंफ्यूज रहें या फिर उनके ऊपर से ये बातें गुजर जाएं, लेकिन इसको कंप्लीट देखें, आई होप सो उन्हें भी फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन जो बंदे CPM के एक्सपर्ट थे, अभी काम नहीं हो रहा, उनके लिए बहुत ही मुफीद होने वाली है, क्योंकि अगर उनका काम बंद हो गया तो आज की वीडियो देखने के बाद उनका काम दोबारा से शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ उन बंदों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, उन्हें भी पता चल जाए कि CPM वर्क क्या हो रहा था और क्या चल रहा है अभी सीन। अगर हम पहले की बात करें तो अभी रिसेंटली दो काम चल रहे थे हमारे पास, एक है MCN का तरीका और दूसरा है Gmail का तरीका। Gmail के तरीके में आपको MCN भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग विदाउट MCN भी काम कर सकते हो, लेकिन MCN के ऊपर आपके पास जो अर्निंग है वो ज़्यादा होती है। यानी कि आप लोग फ़र्ज़ कर लें $6,000 से लेकर आपकी $11,000 तक भी आप कमा सकते हो, जो कि हमने लास्ट मंथ अगस्त के अंदर $11,000 भी कमाए हैं। तो आप लोग भी ये काम कर सकते हो, लेकिन MCN के लिए बेस्ट MCN मैंने आपको बता दिया था कि लेट्स ऑन MCN है, वो आपको 100% पेमेंट देता है, आप उसको ज्वाइन कर लें। बहुत से बंदों ने ट्राई किया, उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी थी, लेकिन उसको MCN ने ज्वाइन नहीं किया। उसकी एक सिंपल वजह यह भी है कि उनके पास जो डैशबोर्ड इकट्ठा करने की जगह थी, वहाँ पर डैशबोर्ड बनाने की जगह थी, वो कंप्लीट है। वो बोल रहे हैं जी हमारा कोई बंदा पहले से डीलिस्ट होगा तो हम अगले बंदे को लेके आएंगे, लेकिन जो बंदे ऑलरेडी अटैच हैं आप उनके नीचे चाइल्ड में लग सकते हो, लेकिन जो बंदे लगे हुए हैं वो अभी हमने मौज मार रहे हैं जी, वो सबसे ज़्यादा पैसे वही कमा रहे हैं। लेकिन ये तो होगी बड़ी बात जो हम बंदे नहीं कर सकते कुछ बंदे, लेकिन जो बंदे बिल्कुल स्टार्टअप में 1000 सब्सक्राइबर हैं, 2000 सब्सक्राइबर हैं, वो अभी क्या करें। तो उनके लिए दूसरा मेथड काम कर रहा था, उसे हम बोलते हैं Gmails का मेथड। Gmails के अंदर आपने प्रॉक्सी यूज़ करनी थी, जो कि पहले एक प्रॉक्सी यूज़ हो रही थी 9/11। जो बंदे ऑलरेडी CPM कर रहे थे उन्हें पता है कि Gmails के अंदर हम 9/11 यूज़ करते थे और उसके थ्रू भी पैसे कमा रहे थे, लेकिन उसमें थोड़ी सी अर्निंग कम होती है, जैसे $300, $500, $600 यहाँ तक वहाँ पर अर्निंग शो हो रही होती है। लेकिन अभी हुआ क्या, रिसेंटली चाइना के हैकर्स थे, उन्होंने 9/11 को हैक किया, उनका सर्वर हैक करके उनका डाटा चोरी कर लिया। 9/11 वालों ने अपनी तमाम जो सर्वर थे उनको बंद कर दिया, तमाम सर्विस को बंद कर दिया। इसके बाद CPM वर्क दोबारा से बंद हो गया। बहुत परेशान थे कि अभी नया मेथड कहाँ से लेके आएंगे और किस तरह करेंगे। बेसिकली आज वही आपसे शेयर करना है, उसका अल्टरनेटिव मिल गया है, आपने वो कौन सा यूज़ करना है, हमें उसके अंदर क्या फ़ायदा मिलेगा, वो आज आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो इससे पहले कि मैं तमाम डिटेल आपसे शेयर करूँ, बहुत से बंदे अभी भी ऐसे हैं जो चैनल को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली हमारी मोटिवेशन के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन दबा दें। दोस्तों अगर हम बात करें 9/11 की, तो 9/11 के अंदर आपको $25 के अंदर 150 IPs मिल जाते थे, लेकिन अभी उसका एक अल्टरनेटिव, उससे भी बेस्ट ऑप्शन आ चुका है, उसका नाम उन्होंने 922 रखा है। यानी वहाँ पर था 911, लेकिन अभी जो नया निकला उसका नाम रखा है 922। इसका भी वही नाम, तकरीबन सेम ही काम है, सेम ही चीज़ें हैं, सेम ही प्रॉक्सीज हैं और सिक्योर उससे भी ज़्यादा है। क्यों सिक्योर है आपको मैं बता देता हूँ, जिसकी मेन साइट है वो है 922proxy.com। आप उस पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर डिफरेंट पैकेज शो हो जाएंगे। जो सबसे पहला पैकेज अगर बात की जाए तो वो आपके पास आएगा $48 के अंदर 240 IPs आपको मिल जाएंगी। 9/11 के अंदर आपको 25 के अंदर 150 IP मिलते थे, लेकिन यहाँ पर 48 के अंदर 250 IPs आपको मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर आपके पास और डिफरेंट पैकेजेस भी मौजूद हैं, आप इनकी हाई पैकेजेस ले सकते हैं, उनके अंदर आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलता जाएगा। अगर हम बात करें इसके अंदर और फ़ायदे की चीज़ क्या है, तो बहुत से ऐसी IPs हैं जिनको हम बाय जल्दी नहीं कर पाते थे, क्योंकि वहाँ पर मास्टर कार्ड एक्सेप्ट नहीं था होता, लेकिन अगर आप इसको बाय करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर मास्टर कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। आप सिंपली अपना मास्टर कार्ड वहाँ पर ज्वाइन लगा कर अपने इन IPs को वहाँ से बाय कर सकते हो। और नंबर टू के ऊपर अगर आप इसके अंदर अगर डिफरेंट कंट्रीज़ मिल जाएंगी, डिफरेंट IP मिलेंगी आपको इसके अंदर, डिफरेंट सॉर्ट्स मिलेंगी, तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। आप इनको वन बाय वन खुद भी कर सकते हो, मैनुअल काम कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो कंट्री वाइज भी। जैसे कि USA सिंपल सर्च करेंगे तो आपके पास वो कंट्री आ जाएगा, फिर उसका अगर डिफरेंट उसकी सॉर्ट्स होंगे, डिफरेंट उसके IPs आ जाएंगे, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हमारी होगी इनके वो तमाम चीज़ें जो हमें प्रोवाइड की जा रही, लेकिन हमें फ़ायदा क्या है इसका। बेसिकली अगर आप इसको चेक करेंगे ना इस IP को, तो आप अपने चले जाएं whoare.net के ऊपर, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन देते हैं आपको कि भाई आपका जो IPO सिक्योर है कि नहीं है, आप किसी की प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक लिस्ट हो नहीं है। आप सिंपल यहाँ पर जाकर सर्च करेंगे तो आपके पास सामने आ जाएगा कि आप ना तो किसी की प्रॉक्सी को यूज़ कर रहे हो, यानी आप अपना ही जो लैपटॉप है कि कंप्यूटर वो यूज़ कर रहे हो। नंबर टू के ऊपर एनोनाइजर भी नहीं हो आप लोग, ना ही तो ब्लैक लिस्टेड हो।
लेकिन अगर आप नीचे स्कोर देखेंगे इसका तो वहाँ पर स्कोर आपको 90% शो हो रहा है। जो इस वाली प्रॉक्सी है हमारी ये 922proxy.com, इसके ऊपर 90% स्कोर शो हो रहा होगा, लेकिन जो 911 थी उसके अंदर 100% हमारा शो होता था, मोस्टली हमारा 95+ होता था, और यही वजह थी कि हम वहाँ पर अपना CPM वर्क कर लेते थे। लेकिन इसको भी हमने 90 से ऊपर लेके जाना, उसके बाद CPM करेंगे तो फिर ही हमारा चैनल स्क्योर रहेगा, अदरवाइज हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है। अभी 90% स्क्योर को हम एक्टिव कैसे करेंगे, यानी कि 100% कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको इसका जो टाइम सेट करना होगा, टाइम जोन है उसको आपने खुद मैनुअल सेट करना है। लेकिन 911 में एक सॉफ्टवेयर था जिसके अंदर आप कोई भी IP सिलेक्ट करते थे तो उसका जो टाइम जोन था उस कंट्री के लिहाज से ऑटोमेटिक हो जाता था, उसमें एक हमें ये फ़ायदा ज़रूर मिलता था। लेकिन इसके अंदर ये फ़ायदा नहीं है, इसके अंदर आपको मैनुअल काम करना पड़ता है, आपने इसको खुद जाकर सिलेक्ट वहाँ पर करना है। और इस प्रॉक्सी को ज़्यादातर बंदे जो जानते हैं वो जानते हैं S5 के नाम से, इसका दो ही नाम है, या तो आप इसको 922 बोल लें या फिर S5 बोल लें, दोनों के एक ही चीज़ है, यही वो प्रॉक्सी है। आप इस प्रॉक्सी को यूज़ करके अपना भी CPM वर्क कर सकती हो। ये प्रॉक्सी आपने उस वक्त यूज़ करनी है जब आपने जीमेल्स के थ्रू करना है। अभी जीमेल्स का किस तरह करते हैं, छोटा सा रिव्यू ये है कि आपने एक जीमेल से दो व्यू लेने होते हैं, उसके बाद आपने अपनी जीमेल चेंज करनी होती है, और अगर नेक्स्ट आप नई वीडियो डालते हो तो आप लोग फिर पुरानी वीडियो से अपने उस व्यू को दोबारा ले सकते हो। लेकिन एक जीमेल से सिंपल एक वीडियो पर दो ही व्यूज़ आने चाहिए, उससे ज़्यादा व्यूज़ आपने हरगिज़ नहीं करने, और अपने IPs को चेंज करते रहना होता है। ये सिंपल सी ट्रिक है उन बंदों के लिए जो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो तो जानते हैं तमाम चीज़ को, जो न्यू बन रहे हैं उन्हें छोटा सा आइडिया हो जाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे कभी आपको मैं अपने लैपटॉप में इसको लाइव करके भी दिखा दूं, लेकिन फिलहाल इसको हम ज़्यादातर लोगों से शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि जितना हम शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी चीज़ें बंद हो जाती हैं। इसलिए हम थोड़ा सा कंसाइज करके काम कर रहे हैं कि वो बंदे जो इंटरेस्टेड हैं और जो थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं कम से कम, वो बंदे तो इससे काम करके पैसे कमा लें। सो आई होप गाइज आपको इससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, और वो बंदे जो ऑलरेडी पहले काम कर रहे थे लेकिन अभी बैठे हुए थे, उनका काम नहीं था हो रहा, वो इंशाल्लाह ज़रूर इससे काम स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि उन्हें एक नया राह मिल चुका होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने, आई होप सो आपने इसको जरूर इन्जॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।